कोरिया जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने राजीव भवन कार्यालय में महादेव ऐप को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के पत्र के आधार पर ईडब्ल्यूओ के द्वारा लिखी गई एफआईआर पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और उसी को मद्देनजर ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर की गई है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार रहते हुए भी महादेव ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है, पूर्व सीएम पर एफआईआर का आधार क्या है। वहीं इस विषय पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के नाम का जो दुरुपयोग करेगा, उनके नाम से जो सट्टा खिलवाएगा, वो जेल जाएगा ही। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। महादेव ऐप अभी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है ईओडब्ल्यू के द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं। ये भाजपा का षड्यंत्र है और आदरणीय भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये उनके खिलाफ एफआईआर ईओडब्ल्यू के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने कराया है कि उनका चारित्रिक हनन किया जाए और उनके व्यक्तित्व पर दाग लगाया जाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। महादेव ऐप में भूपेश बघेल जी का जब से उनको प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा में, उसके बाद ये एफआईआर करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये भूपेश बघेल जी कह भी चुके हैं कि उनको जो एक्शन लेना हो ले लें। इसके पहले भी उनके खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र किए गए थे और कई तरह के एक्शन लिए गए थे, जिनका उन्होंने और पूरी पार्टी ने पूरी तरह से विरोध भी किया है और डटकर मुकाबला भी किया है। ये उसी में की एक कड़ी है, इस बार भी सभी डट के इसका मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने बहुत सही कहा है, जो भगवान भोलेनाथ के नाम का दुरुपयोग करेगा और उनके नाम से पूरे प्रदेश में सट्टा खिलवाने का जिन्होंने षड्यंत्र किया और उनके ऊपर आज कार्रवाई हुई है और इनके बहुत सारे कांग्रेस के चट्टे बट्टे इसके पहले जेलों में जा चुके हैं इसी महादेव सट्टा के षड्यंत्र में। और माननीय भूपेश बघेल जी को भी जो सट्टा खिलवाता तो खुलेआम आरोप लगा है कि मैंने इनको इतना पैसा दिया, इसलिए आज ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रहे एकदम